कार्रवाई लाए हैं पाटा थाने पे, और न्याय लाए हैं मेरे लगता है। तहसील दिवस में पीड़ित ने पुलिस अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाया। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आदेश भी वे अशर, जहां सूबे के मुखिया कहते हैं कि राजस्व से जुड़े मामले प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए जाएं। पीड़ित का आरोप, डुमरियागंज प्रशासन एक पक्ष को खुली छूट देकर दूसरे को शांत का पाठ पढ़ाकर देवरिया जैसा कांड कराने पर उतारू है। पीड़ित ने बताया कि मेरा नाम अनूप सोनी है, मैं बैदौला चौराहे पर रहता हूँ। मेरा मकान जो बैनामा सुधा है, मेरी माँ के नाम पर है, उसे कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। मकान के आधे हिस्से का मालिक मैं हूँ, बाकी आधे हिस्से का मालिक प्रदुमन है। दूसरा पक्ष आए दिन मकान में तोड़फोड़ करके निर्माण अंदर ही अंदर कराता रहता है। पैसा और बल के कारण उसने मेरे भी मकान पर पेंट करवा लिया है, जिससे लगे पूरा मकान मेरा है। मैं सारे अधिकारियों से गुहार लगा रहा हूँ, हर जगह सिर्फ आश्वासन मिलता है। घर द्वार फाड़ के अपन आवत है, अपन हमें भी जानत ले कार्रवाई हमारे क्या करी है, हमारा कार्रवाई लाए हैं पाटा थाने पे, और न्याय लाए हैं मेरे लगता है। एप्लीकेशन आप दी थी थाने पे? हाँ, थाने पर मार लाए, लेकिन हमारा कौन न्याय लाए हमें मिला। तो आप क्या चाहती हैं? हम यह चाहते कि हमें न्याय मिल जाए। हमारा मकान हमें नाम से है। कौन कब्जा कर रहा है? क्या है पूरा मामला? मेरा नाम अनूप सोनी है, मैं बैदौला चौराहा का निवासी हूँ। मेरी माँ के नाम से बैनामा खुदा खाराजी बैनामा मकान है। मेरे पड़ोसी प्रदुमन सोनी, प्रशांत सोनी बीड़ावादी, ये लोग दो मकान है, आधा प्रदुमन का है, आधा मेरे माँ के नाम से बैनामा है। तनहा बैनामा भी है, खारी दाखिल है, और प्रदुमन चार भाई हैं, वो अपने भाइयों के बीच में हिस्से से लेके मुकदमा किया है। हमारे एरिया को भी गलत तरीके से दिखा दिया न्यायालय में, जबकि मेरे भी मकान के ऊपर किसी भी न्यायालय में कोई हस्तगण आदेश या स्टे कुछ भी नहीं है। हमें शासन प्रशासन द्वारा बार बार हम अपने मकान पर जाते हैं तो जान से मारने को धमकी देता रहता है। 30 मार्च को हमारा एक खुलानामा हुआ था SDM महोदय डुमरियागंज महोदय के बीच, वो दोनों पार्टी दोनों पक्ष को बैठाए, तो SDM महोदय द्वारा हमको ये कहा गया ये मामला आपका न्यायालय में है, जब तक न्यायालय से कोई अंतिम आदेश नहीं आ जाता है तब तक यथास्थिति ऐसे जैसे है वैसे बना रहेगा मकान। उसके बावजूद हम SDM महोदय SO महोदय का आदेश को मानते हुए हम पालन करते चले आए। बीच में इसी 15 तारीख को हमारे मकान में जबरदस्ती सीने बल जोड़ से प्रदुमन और सोनी प्रशांत सोनी बीड़ावादनी जबरदस्ती तरीके से हमारे मकान के ऊपर पूरा डेंट पेंट कर दिए, जबकि मेरा मकान अलग अलग दोनों पार्ट है, अंदर से तोड़ फोड़ किए हैं, दीवार भी चलाए हैं, अंदर क्या किए हैं हमें मालूम नहीं है। हमें जाने से वहाँ बहुत खतरा है, हम चले जाएंगे। हमारे पिताजी की हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक हो गया उन्हीं लोगों की वजह से, और हमें अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। 15 तारीख को SHO डुमरियागंज को हमने सूचना भी दिया, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कार्रवाई करने के लिए। आज मैं तहसील दिवस में पुलिस अधीक्षक महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया, हमारी बात बहुत संतुष्टि से उन्होंने सुना, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने माँ को लेके गया, सारी बात बताया कि सर ये ऐसे ऐसे मामला है, वो जबरदस्ती पे जबरदस्ती कर रहा, जबकि सुलानामा स्टैंड पे हुआ था कि जब तक कोई न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बावजूद वो जबरदस्ती आए दिन कुछ ना कुछ अंदर से निर्माण करता रहता है, और आगे से पूरा मेरा पेंट करा दिया, जबकि अपने में आधे में कराया होता तो हमें कोई तकलीफ नहीं था, पूरे में करा दिया कि दोनों मकान मेरा एक लगे। मेरा एकदम कब्जा करने का पूरा प्रयास किया है, हमारा रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया है, जबकि मेरे माँ के नाम से बैनामा है, खारी दाखिल है, 3-3 न्यायालय से हमें आदेश भी मेरे पक्ष में है। उसके बावजूद शासन प्रशासन द्वारा हमें ये कहा जाता है कि आप न्यायालय से आदेश ले आइए, मेरे पिताजी भी नहीं हैं। उसके बावजूद मैं माँ की दवा कराने के लिए परेशान रहता हूँ, मैं कहाँ से लेके आदेश लेके आऊँ, जबकि मेरा बैनामा है जो मेरा विरोधी है, उसके नाम से एक भी कहीं पानी से भी नहीं लिखा हुआ है। हमारा सारा कागज पत्र सही है तो हमें न्याय मिले, अन्यथा अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं बहुत परेशान बहुत दुखी हूँ, मैं अपने माँ को लेकर दौड़ते दौड़ते थक चुका हूँ। मेरे पास कम से कम 1000 प्रार्थना पत्र होगा,
यहाँ थाने से लेके SDM महोदय, जिला अधिकारी सिद्धांत नगर, सारे अधिकारी हमको यही हमेशा कहा जाता है आप न्यायालय से आदेश लेके आए, जबकि वो अपने भाइयों के बीच में मुकदमा किया है और मेरा जो मामला बैनामे का है वो मेरा बैनामा अलग है। तहसील से भी रिपोर्ट आई, SDM महोदय द्वारा भी रिपोर्ट आया कि हमारे ऊपर किसी भी न्यायालय में कोई हस्तगत आदेश नहीं है। प्रदुमन जालसाजी करके हमारे मामले को फर्जी तरीके से हमारे एरिया को दिखा दिया, जबकि न्यायालय 1/11/2011 को आदेश दे दिया कि इस बहनामे की संपत्ति से किसी को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जिला जज के यहाँ से भी मेरा आदेश हो गया। 15/3/18 को हाई कोर्ट से भी वही पहला ऑर्डर 1/11/2011 का आदेश वही वहाँ से भी मेरा फाइनल हो गया। मैं दौड़ते